हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। दोस्तों, होली का समय आ गया है, रंगों से खेलने का समय आ गया है। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इस होली हम अपने स्किन और अपने हेयर को कैसे बचा के रखें, क्योंकि जो हम कलर्स यूज़ करते हैं होली के टाइम, उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन को ख़राब कर सकते हैं, आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप होली पर अपने स्किन और अपने हेयर का कैसे ध्यान रख सकते हैं और होली को पूरी तरह कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो दो भाग में है। पहली, हम बताएंगे कि होली खेलने जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और दूसरी, जब आप होली खेल के वापस घर आते हैं फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली है प्री होली टिप्स। सबसे पहले आप कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल लीजिए। उनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छी तरह अपने चेहरे पर, अपने नेक पे, अपने हाथों पे और अपने पैरों पे लगा लीजिए। इससे आपके स्किन के ऊपर एक बैरियर बन जाएगा जो आपको होली के हार्मफुल कलर से बचाएगा। साथ में आप एक अच्छी सी सनस्क्रीन भी ले लीजिए और उसको भी अपने चेहरे पे, अपने नेक पे, अपने हाथों और पैरों पे लगा लीजिए, ताकि आपके स्किन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाए और आपको जो होली के कलर्स हैं उनके जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे आपके स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। दूसरी बात जो आपको अपने हेयर के लिए करनी है, उसके लिए भी आपको कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर बना लेना है इक्वल क्वांटिटी में, और उसके अंदर लेमन डाल देना है जो एक्स्ट्रा डालना है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और उसको अपने बालों पे एक रात पहले लगा लीजिए, ताकि एक प्रॉपर बैरियर बन जाए आपके हेयर के ऊपर जो आपको होली के हार्मफुल कलर से आपके हेयर को बचाएगा। और साथ में अपने हेयर को बैंडाना या कोई कपड़े से कवर भी कर लीजिए, ताकि डायरेक्टली आपके बालों में कलर्स ना जा पाएं और आपके हेयर प्रोटेक्ट रहें। साथ में जो आपके नेल्स हैं उसके ऊपर भी एक नेल पेंट लगा लीजिए अच्छी क्वालिटी का, ताकि आपके नेल के ऊपर भी एक बैरियर बन जाए जो आपको होली के हार्मफुल इफेक्ट से बचाएगा। और जो आपके क्लोथ्स होने चाहिए वो भी फुल स्लीव कॉटन क्लोथ्स ही पहने, क्योंकि अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहनेंगे तो आप जब भीगते हैं तो आपकी जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं वो आपकी स्किन को इरिटेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फुल स्लीव कॉटन क्लोथ्स ही पहने। और जो आखिरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप सनग्लासेस भी ज़रूर पहने, ताकि आपकी आंखों के ऊपर भी एक बैरियर बन जाए और आपकी आंखें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ पाए होली के जो कलर्स होते हैं उसके ऊपर, एक बैरियर बन जाएगी आपकी आंखों के ऊपर भी। तो आप कोशिश करें कि आप सनग्लासेस पहनकर ही होली खेलने के लिए निकलें। अगली बात आती है पोस्ट होली टिप्स। सबसे जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए जब भी आप होली खेल के वापस घर आते हैं वो ये है कि आप जल्द से जल्द अपने कलर्स रिमूव कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके कलर्स वेट होते हैं तो प्रॉपरली ईजिली रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जब आपके कलर्स ड्राई हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, घर आते ही आप प्लेन ल्यूक वार्म वाटर से अपने बालों और अपने स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से जो मोस्ट ऑफ द कलर्स है आपके बालों और आपके जो स्किन पे लगा हुआ है वो निकल आएगा। फिर आपको एक हर्बल सॉप यूज़ करना है या कोई हर्बल शैम्पू या हर्बल कंडीशनर यूज़ करना है। आपको हर्बल इसलिए करना है क्योंकि आप जो नॉर्मल सॉप करेंगे जिसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं उससे आपकी स्किन या आपके हेयर और काफ़ी ड्राई हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई अच्छा सा हर्बल सॉप, हर्बल शैम्पू या हर्बल कंडीशनर ही करें, ताकि आपकी स्किन और आपके हेयर ज़्यादा ड्राई ना हो। तो आपको जब आप नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लेते हैं उसके बाद अच्छा सा हर्बल सॉप लीजिए अपनी स्किन के लिए, अच्छा सा हर्बल शैम्पू लीजिए अपने बालों के लिए, और फिर अपने शैम्पू लगाने के बाद एक अच्छा सा हर्बल कंडीशनर अपने बालों पे लगाएं, ताकि आपके जो बालों की नॉर्मल टेक्सचर है, नॉर्मल चमक है दोबारा वापस आ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप प्री एंड पोस्ट होली टिप्स क्या क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन और आपकी हेयर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और आप प्रॉपरली होली को अच्छी तरह इंजॉय भी कर पाएं। साथ में मैं आपको बस एक और सजेशन देना चाहूँगा कि होली के अंदर नेचुरल कलर्स ही यूज़ करें, सिंथेटिक कलर्स बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि सिंथेटिक कलर्स के अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन और आपके हेयर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं।
तो मार्केट में हमेशा नेचुरल कलर्स ही खरीद कर लाएं और उससे ही प्रॉपरली होली इंजॉय करें, और साथ में हमारी प्री एंड पोस्ट होली टिप्स फॉलो करें ताकि आप होली इंजॉय भी कर पाएंगे और आपकी स्किन और आपके हेयर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी होली अच्छी तरह इन्जॉय भी कर पाएँ और अपने स्किन और अपने हेयर को बचा भी पाएँ। और हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।